फाउंडेशन स्कूल बक्सा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनिधि फ्रॉम क्लास 5A। लुक व्हाट आई फाउंड, इट वाज अमंग ग्रैंडपास ओल्ड बुक्स। कम एंड हैव अ लुक। देखो मुझे क्या मिला, यह दादाजी की पुरानी किताबों में से था। आओ और पढ़ो। What's so interesting about an old diary? एक पुरानी डायरी के बारे में इतना इंटरेस्टिंग क्या है? It's the diary of a man named Robinson Crusoe. It seems that the man was stuck alone on a deserted island for a long time. This diary holds his experiences on that island. Let's read it together. I am sure we'll find it very interesting. यह रॉबिन्सन क्रूजो नाम के एक आदमी की डायरी है। ऐसा लगता है कि वह आदमी एक सुनसान द्वीप पर लंबे समय से अकेले फंसा हुआ था। यह डायरी उस द्वीप पर अनेक अनुभवों को समेटे हुए है। आइए इसे एक साथ पढ़ें। मुझे यकीन है कि यह हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। September 30, 1659, आई पुअर मिजरेबल रॉबिन्सन क्रूजो बींग शिप रेक्ट ड्यूरिंग अ ड्रेडफुल स्टॉर्म इन द ऑफिंग केम ऑन शोर ऑन दिस डिसमल अनफॉर्चुनेट आइलैंड विच आई कॉल्ड द आइलैंड ऑफ डिस्पेयर ऑल द रेस्ट ऑफ द शिप कंपनी बींग ड्रॉन्ड एंड माई सेल्फ ऑलमोस्ट डेड। मैं गरीब दर्शनीय रॉबिन्सन क्रूजो एक भयानक तूफान के दौरान जहाज की तबाही के कारण इस निराशाजनक दुर्भाग्यपूर्ण द्वीप पर किनारे पर आया, जिसे मैं निराशा का द्वीप कहता हूँ। बाकी सभी जहाज की कंपनी डूब गई। मेरी आत्मा लगभग मर चुकी थी। बाकी का सारा दिन मैंने अपने आप को जिस स्थिति में पाया उसे भयभीत और भयभीत होकर बिताया, और किसी भी राहत की निराशा में मेरे सामने मौत के अलावा कुछ भी नहीं देखा। या तो मुझे जंगली जानवरों द्वारा हत्या कर दी जाए या भोजन के अभाव में मुझे मौत के घाट उतार दिया जाए। रात के समय मैं जंगली जानवरों के डर से एक पेड़ पर सो गया। हालांकि पूरी रात बारिश हुई, मैं गहरी नींद सोया। थैंक यू। Good morning everyone, I am Ravish Kumar Roy from class 5A. My roll number is 40 and my English teacher name is Ashish sir. In the morning, I saw to my great surprise the ship has floated with high tide and was driven near the island. The sight was some comfort on one hand, for seeing her strips upright, I hoped to get on the boat and get some food and necessities out for my relief. On the other hand, it remained my grief and the loss of the comrades. I thought we could have saved the ship if we had all stayed on the boat. We might build us a boat out of the ruins of the ship and sail to some other part of the world. I spent a great part of the day thinking about these things, but at length I went upon the sand as near as I could and then swam on board. जब रॉबिन्सन क्रूजो जब मॉर्निंग में देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि जो शिप होता है जो डूब चुका था वो हाई टाइड से उनके आइलैंड पे तैर के आ जाता है। उनके एक हाथ में उनको कंफर्ट होता है और वो सोचते हैं कि मैं शिप पे तैर के फूड और नेसेसरी टूल्स वहाँ से ले लूँगा, और दूसरे हाथ में वही सोचते हैं कि इसी शिप से मेरे दोस्त मर चुके थे डूब के। अगर हम लोग एक साथ होते तो हम लोग इस शिप को बचा सकते थे, या अगर हम लोग एक साथ होते तो इस टूटे फूटे शिप से पार्ट लेके हम लोग एक नया बोट बना के दूसरे वर्ल्ड पे जा सकते थे। ये बात सोचते ही वो आगे बढ़ते हैं और तैर के बोट पे चढ़ जाते हैं। थैंक यू। Hello everyone, my name is Shant Prakash from class 5A and my class teacher is Ashish sir. October 2 to 25, 1659. From the 1st October to the 25th, I made several voyages to get all I could out of the ship. 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मैंने छोटी छोटी समुद्र यात्रा की जितनी मैं उस बोट से कर सकता था। इट रेंड ऑल नाइट एंड ऑल डे ऑन द 25th विथ सम गस्ट्स ऑफ विंड ड्यूरिंग विच टाइम द शिप ब्रोक इनटू पीसेस। और 25 तारीख को रात और दिन सिर्फ बारिश ही हुई और कुछ हवा चली जिसमें मेरी जो शिप थी वो टूट चुकी थी। आई स्पेंड दिस डे इन कवरिंग एंड सिक्योरिंग द गुड्स विच आई हैड सेव्ड दैट रेन माइट नॉट स्पॉइल देम। तो मैंने जितनी भी
सामान इकट्ठा की थी सबको मैं कवर करने में लग गया कि जो बारिश है उन सामान को ख़राब ना कर दे। द वॉयजेस प्रूव टू बी अ ग्रेट सक्सेस। आई मैनेज टू रेस्क्यू अ ग्रेट क्वान्टिटी ऑफ टूल्स एंड अदर नेसेसिटीज़ फ्रॉम द शिप। जो मैंने समुद्री यात्रा की थी वो काफ़ी अच्छी साबित हुई। मैंने जो है काफ़ी चीज़ समुद्र से मैंने रेस्क्यू कर लिया था, काफ़ी टूल्स और नेसेसिटीज़। और अब मेरे पास ड्रिल, एक डज़न हैचेस, अ ग्राइंडस्टोन, क्रोबार्स, अ लार्ज बैग ऑफ नेल्स एंड रिवेट्स, सेल्स, रोप्स, पोल्स, टू बैरल्स ऑफ गन पाउडर, मस्केट बॉल्स, 7 मस्केट्स, अ हैमक, अ मैट्रेस, ब्लैंकेट्स एंड कोट्स, ये सारी सामान मेरे पास हो चुके थे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज साइना कुमारी, आई स्टडी इन क्लास 5th। अक्टूबर 26, 1659, आई बिगन टू कम्फर्ट माई सेल्फ एज वेल एज आई कुड। आई विश टू फील बेटर, सो आई स्टार्टेड लिसनिंग द गुड अगेंस्ट द बैड ऑफ माई सिचुएशन। आई थॉट बैड, आई एम कास्ट अपन अ हॉरिबल डिसोलेट आईलैंड वॉइड ऑफ हॉल ऑफ रिकवरी। गुड सिचुएशन इज दैट बट आई एम अलाइव एंड नॉट ड्रॉन्ड एज ऑल माई शिप्स कंपनी वॉज। देन ही थॉट अगेन बैड, I am singled out and separated from the entire world. Then he thought good, but I am not starved and perishing on a barren place. I have got so many necessary things to help me meet my needs for as long as I live. It's 8:44 a.m. October 26, 1659. मैंने अपने आप को अच्छा फील कराने की कोशिश की और आराम देने की कोशिश की जितना कि मैं दे सकूं, और मेरी थोड़ी अच्छा फील करने की इच्छा हुई, इसीलिए मैंने अपनी स्थिति के बारे में जो भी बुरी चीज़ें सोच रखी थी मैंने उनके अगेंस्ट अच्छी चीज़ें सोचना शुरू किया। पहले तो मेरे मन में ये बुरा ख्याल आया कि मैं एक खतरनाक और एक सुनसान आइलैंड पर फंस चुका हूँ और मैंने रिकवरी की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। फिर मैंने गुड सिचुएशन में ये सोचा कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं डूबा नहीं, जैसे कि मेरी सारी शिप्स की कंपनियाँ डूब गई। फिर मैंने दोबारा एक बुरे ख्याल को अपने मन में देखा और मैंने सोचा कि पर मैं अकेला हूँ और पूरी दुनिया से अलग हूँ। फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि पर मैं भूखा तो नहीं मर रहा एक बंजर जगह पर, और मेरे पास काफ़ी सारी नेसेसरी थिंग है जो कि मुझे हेल्प करेंगी ज़िंदा रहने में जब तक, और मेरी नीड्स को पूरा करने में जब तक कि मैं ज़िंदा रहूं। फिर मेरे मन में एक और बुरा ख्याल आया, आई एम विदाउट एनी डिफेंस। इसका मतलब ये कि मैं किसी भी डिफेंस के बिना था। इसका मतलब ये था कि कोई भी जंगली जानवर या इंसान मुझे मार सकता था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मैं एक ऐसे आइलैंड पर फंसा था जहाँ मैंने अभी तक कोई भी जंगली जानवर या इंसान नहीं देखा जो कि मुझे मार सके। इन सारी चीज़ों ने मेरे दिमाग को एक बेहतर स्थिति में पहुंचाई और मैंने अपने आप को इस काम में लगा दिया कि मैं नई नई चीज़ें ढूंढूं जो कि मुझे ज़िंदा रहने में मदद करे, और मैंने चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश की जितना कि मैं बना सकता था खुद के लिए। उसी रात मैंने एक स्थायी जगह ढूँढ ली एक चट्टान के नीचे और उसे एक सेमी सर्कल की तरह मार्क किया जो कि मेरा शेल्टर था और जहाँ पर मैं लेट सकूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अनन्या ओझा फ्रॉम क्लास 5A एंड माय क्लास टीचर नेम इज़ आशीष सर। 27 अक्टूबर टू 22 नवंबर 1659 आई फॉलोड अ पर्टिकुलर शेड्यूल टू ऑर्डर माय टाइम ऑफ वॉक ऑफ गोइंग आउट विथ माय गन, टाइम ऑफ स्लीप एंड टाइम ऑफ डिवर्जन। मैंने अपने काम के समय अपनी बंदूक के साथ बाहर जाने, सोने के समय और काम पर जाने के समय समय को व्यर्थ करने के लिए मैंने एक विशेष कार्यक्रम का पालन किया। एवरी मॉर्निंग आई वॉकड आउट विथ माई गन फॉर 2 or 3 hours। मैंने हर सुबह अपने बंदूक के साथ 2 से 3 घंटे टहला। देन एम्प्लॉयड माई सेल्फ टू वॉक टिल अबाउट 11 o'clock। फिर मैंने अपने आप को कार्यरत समझा कार्य करने के लिए और मैंने 11 बजे तक काम किया। देन ईट व्हाट आई हैड टू लिव ऑन। फिर मैंने खाना खाया जिससे मैं यहाँ रह सकूँ। एंड फ्रॉम 12 to 2 आई ले डाउन टू स्लीप। और मैंने
मैंने 12 से 2 बजे तक लेट गया सोने के लिए एंड देन इन द इवनिंग टू वॉक अगेन और शाम में फिर से मैंने काम करना चालू किया. द वॉकिंग पार्ट ऑफ माई डे वॉज यूजली स्पेंड इन कैरिंग द थिंग्स. मेरा जो पूरा दिन था वह थिंग्स को कैरी करने में निकल गया. आई हैड रेस्क्यू टू माई इनकैपमेंट. फिर मैंने पढ़ाव को रेस्क्यू किया. द मॉर्निंग वेयर द मोस्ट एक्साइटिंग एज आई गॉट टू सी बेंग डेट आई हैड नेवर सीन बिफोर. फिर मैंने सुबह में ऐसी चीज़ देखी जो मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी. ऑन मैनी डेज आई कॉट फिश यूजिंग इंसेक्ट टू लॉ देम. और मैंने कुछ दिनों तक इंसेक्ट के थ्रू फिश को पकड़ा, मछलियों को पकड़ा. वंस आई एवन किल्ड अ वाइल्ड कैट. फिर मैंने एक जंगली बिल्ली को मारा. आई किल्ड अ लार्ज बर्ड डैट वॉज गुड टू ईट. फिर मैंने एक बड़ा सा पंछी को मारा जो मुझे खाने में अच्छा लगा. बट आई न्यू नॉट वॉट टू कॉल इट. लेकिन मैं नहीं जानता कि इसे क्या कहा जाए. आई ऑल्सो सॉ सम स्ट्रेंज लुकिंग फ्लावर्स. और मैंने कुछ अजनबी फूलों को भी देखा. 23 November 1659 आई फाउंड अ ट्री डेट इन ब्राज़ील इज कॉल्ड आयरन ट्री बिकॉज ऑफ इट्स सनेट. मैंने ब्राज़ील में मुझे ऐसा एक पेड़ मिला जिसका नाम लोहे का पेड़ है और वह अपने मजबूती के वजह से जाना जाता है. आई डिसाइडेड टू मेक टूल्स आउट ऑफ दिस वुड्स टू हेल्प मी डिग अ केव बिहाइंड माय टेंट. मैंने डिसाइड किया कि उसके लकड़ी का कुछ टूल्स बनाया जाए जो मेरे तंबू के पीछे गुफा खोदने में काम आए. बट बिकॉज आई वॉज अ वेरी सॉरी वॉकमैन इट टुक मी मैनी डेज टू क्राफ्ट देम. लेकिन मैं एक क्षमा कार्य करता हूँ कि मैंने कई दिनों तक लकड़ियों के कुछ बनाए नहीं. आई स्पेंड 18 डेज इंटायरली एंड विडनिंग एंड डिपनिंग माई केव. मैंने 18 दिन पूरी तरह से चौड़ा और गहरा गुफा को करने में लगा दिए दैट इट माइट होल्ड माई गुड्स कमोडियसली, जिससे कि मुझे अच्छा कम्फर्टेबली यह प्लेस हो सके मेरे लिए. During all this time, I worked to make the cave spacious enough to accommodate a war house. मैंने पूरे दिन काम कर उस केव को ऐसा बनाया, उस केव को ऐसा समायोजित किया जिसमें कि एक किचन, एक डाइनिंग रूम और एक तहखाना था. तहखाना मीन्स मिट्टी के अंदर बना कमरा. थैंक यू. हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयशा फ्रॉम क्लास 5 सेक्शन ए रोल नंबर 42. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर नेम आर द एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूज. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 10 डिसंबर 1659. बिगिन नाउ टू थिक माय केव और वेल्ट फिनिश्ड व्हेन ऑल ऑफ अ सुडेन अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ अर्थ फेल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑन टॉप वन साइड सो मच डैट आई फ्रिजिटेड me for if I had been under it I would never have needed a gravitational. रॉबिन्सन क्रूज़ था वो सोच रहा था कि मेरा जो गुफा का काम है वो ख़त्म हो चुका है. तभी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आके नीचे गिरने लगे तो रॉबिन्सन क्रूज़ डर गया और उसने सोचा कि अगर मैं उसके नीचे होता तो मुझे कब्र खोदने के लिए भी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती. तभी उसने सोचा कि अभी मेरे पास काम करने के लिए बहुत सारा कार्य है. तभी और जैसे उठाने के लिए मिट्टी और एक सहारे के लिए एक छत चाहिए ताकि वो नीचे ना गिरे. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रनीराज फ्रॉम क्लास 5A. December 11, 1659. This day I went to work with accordingly. I set up 2 postage with boards. Each day I provide support to the roof. इस दिन मैं काम करने के लिए गया. मैंने छत को समर्थन प्रदान करने के लिए प्रत्येक दिन 2 बोर्ड के साथ 2 पोस्टर्स स्थापित किए. In about week more, I had roof secured and post standing in row saved me as पार्टीशन फॉर ऑफ माई हाउस. पर लगभग एक हफ्ते के बाद मैंने छत को सुरक्षित कर लिया और पंक्तियों में खड़े खम्भों ने मेरे घर के हिस्से के लिए विभाजन का काम किया.
Then I placed shelves and knocked up nails on the post that everything up that could be hang up. फिर मैंने और पंक्तियों में खड़े खम मैंने अलमारी लगाई और खम्भों पर कीले ठोक दी ताकि सब कुछ लटका दिया जा सके. फाइनली आई कैरीड एवरीथिंग इन द केव. अतः मैंने अपने सारे सामान को गुफा में ले आया.